दो गज दूरी मास्क है जरूरी, आज कोरोना के एक साल पूरे हो गए। 11 बजे सायरन बजाकर लोगों को एक बार फिर से जागरूक करने का अभियान यहां पर प्रारंभ हुआ है। मैं आपको दिखाऊं, कुछ बैनरों को दिखाऊंगा, दो गज की दूरी मास्क है जरूरी, मेरा मास्क मेरी सुरक्षा, ये तीन मूल मंत्र जिससे होगा कोरोना का अंत। मास्क का नियमित उपयोग करें, नियमित अंतराल पर साबुन से हाथ धोएं, सामाजिक दूरी दो गज का अनुपालन करें, सावधानी में ही सुरक्षा है। कुछ इस तरीके के स्लोगन के साथ एक साल बाद भी कोरोना जाने का नाम नहीं ले रहा है। आज की तारीख में पूरा जिला प्रशासन रीवा की सड़कों पर है। कलेक्टर रीवा टी इलैया राजा लगातार शहर के सबसे प्रमुख बाजार में मौजूद हैं, लोगों को मास्क लगाने के लिए लगातार प्रेरणा दे रहे हैं। जिनके मुंह में मास्क नहीं है उनको समझाइश दे रहे हैं। मैं आपको सीधे उस जगह पर ले सकता हूं जहां पर इस समय टी इलैया राजा कलेक्टर रीवा मौजूद है और वहां पर क्या है, साथ ही उनको ये भी आपको दिखाऊंगा पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा। आज है ना माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश अनुसार मेरी सुरक्षा मेरी मास्क का अभियान चलाया जा रहा है। 11 बजे और शाम को 7 बजे नेक्स्ट वन वीक पे सायरन बजाया जाएगा। सभी लोग है ना मौन संकल्प लेंगे कि मतलब हम लोग मास्क पहनेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराएंगे और पुणे कोविड का लगातार केसेस बढ़ रही है उसके लेकर हम सभी को है ना जागरूक होना जरूरी है। अपने सुरक्षा के लिए, परिवार की, अपना है ना समाज की सुरक्षा के लिए सभी लोगों को इस जागरूकता कार्यक्रम में आगे बढ़ना जरूरी है। मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, जब भी है ना मौका मिलता है साबुन से ना हाथ धोए या सैनिटाइजर का यूज़ करें। प्रशासन की ओर से रोको टोक का अभियान भी चलाया जाएगा, उसके बाद है ना कोई नहीं मानता है तो जुर्माना भी डाला जाएगा। सर, आप सुबह से मास्क लगातार बांट रहे हैं, आपके साथ पूरा प्रशासन यहाँ पर मौजूद है, फिर भी लोग लगातार बगैर मास्क के टहल रहे हैं, तो उस स्थिति में इसको वापस महसूस किया गया है कि कमी का, कि मतलब एक साल के बाद कहीं ना कहीं केसेस में कमी आई थी बीच में, इसलिए लोगों को लगा गया कि मतलब अभी है ना कोविड है ना चले गया टाइप का। इसको वापस लोगों को एहसास दिलाने के लिए कि कोविड अभी भी ना है हमारा बीच में, नंबर ऑफ केसेस बढ़ भी रही है, सो वापस है ना उसका आदत परिवर्तन लाने में डेफिनेटली ना समय लग सकता है। पुनः जागरूकता के लिए ये वापस बोला जा रहा है। कोशिश करें कि नेक्स्ट वन वीक है ना 10 डेज के अंदर है ना मतलब इसको एक इंटेंसिवली चलाया जाएगा, सो दैट एटलीस्ट हर नागरिक है ना अपना सुरक्षा के लिए, समाज की सुरक्षा के लिए ना मास्क लगाए। सर, ये मंडियों और जहाँ सबसे ज़्यादा भीड़ होती तो क्या कुछ इस तरीके की प्लानिंग की, जैसे पहले भी आप लोगों ने बाहर किया था, इस तरीके की क्या व्यवस्था भी बनेगी? जरूर, एक्चुअली मंडी के लेकर अभी भी ना डिस्कशन हुई है। एक तोप मंडी है तो उनको है ना हम लोग ने पहले से ऑलरेडी जगह दिया हुआ है, वापस है ना उन लोगों को बाहर शिफ्ट किया जाएगा। और कहाँ पब्लिक गैदरिंग ज़्यादा हो रही है, लार्ज मात्रा में आ रहा है, वहाँ है ना नगर निगम की टीम और पुलिस की टीम के माध्यम से रेगुलेट करने के लिए कोशिश करेंगे कि वो भीड़ ना लगाए। थैंक यू सर। कोरोना संक्रमण के अगर मरीज ज़्यादा मिलते हैं रीवा में तो क्या लॉकडाउन की स्थिति नहीं? लॉकडाउन की स्थिति डेफिनेटली उसका राज्य शासन के द्वारा ही निर्णय लिया जाता है, बट अभी यही ऐसे कोई स्थिति नहीं है। हम लोग अभी भी नियंत्रण में हैं, 10 केसेस की है ना अंदर ही ना आ रही है। वो डिस्ट्रिक्ट क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी है, जिला आपदा प्रबंधन समूह है, उसके समक्ष में ना मतलब लगातार है ना स्टेटस रखा जाएगा। जब पहले वो समिति यह निर्णय लेगी कि मतलब इस प्रकार का कोई चीज़ को जरूरत है तो प्रस्ताव भेजा जाएगा।